गांधी जी ने तीन बातें करनी थी, शिक्षा, तीन चीजें शिक्षा को अचीव करनी है। एक बच्चा जो शिक्षा लेके बाहर निकले स्कूल या कॉलेज से शिक्षा पूरी करने निकले, उसको उसमें ये तीन चीजें होनी चाहिए। पहली चीज कि वो एक अच्छा इंसान बने, दूसरी चीज शिक्षा उसे वो हुनर दे सके, वो टूल दे सके कि वो अपना परिवार पाल सके, उसे रोजी रोटी को मिले शिक्षा करने के बाद, सारा सब कुछ करने का तरीका और लोगों के बोलना उसे रोजी रोटी मिले, फिर शिक्षा का क्या फायदा। तो दूसरी चीज गांधी जी ने कहा था कि वो अपनी रोजी रोटी कमाने का एक बंसे को उसे रोजी रोटी के लिए तरकर भी खोल रहा था। और तीसरी चीज गांधी जी ने कहा था वो कट्टर देशभक्त बने। ये तीन बातें गांधी जी ने कही। मुझे बेहद खुशी है कि पिछले एक साल से आप सब लोगों ने मिलकर इस दिशा में, करिकुलम की दिशा में भी आप लोगों ने मिलकर काम करना चाहते हैं। पिछले एक साल में आपने जो हैप्पीनेस करिकुलम शुरू किया है वो गांधी जी की पहली बात को पूरा करता है। आपका हैप्पीनेस करिकुलम आज हमारे बच्चों को अच्छा इंसान बना रहा है। जो इतनी कहानियां मैं सुनता हूं, एक्सपीरियंस सुनता हूं, मैं वीडियो देखता हूं अपने बच्चों के, सोशल मीडिया पे इतने वीडियो घूम रहे हैं जिसमें बच्चे बता रहे हैं कि अब वो फोकस करने लगे हैं, एजुकेशन जॉब कराते हैं वो फोकस करने लगे हैं, पढ़ाई में मन लगने लगा है, जब घर जाते हैं उनके माँ बाप के साथ उनके रिश्ते सुधरने लगे हैं, घर के अंदर जो समस्याएं हैं उनका समाधान वो निकालने लगे हैं। ये कोई छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात आप लोगों ने अचीव कर दी। तो पहला काम जो था, पहली बात जो गांधी जी ने कही कि हमें अच्छा इंसान शिक्षा को बनाना है, उस दिशा के अंदर आप लोगों ने बहुत अच्छा काम करना शुरू किया। दूसरी बात गांधी जी ने कही थी कि वो रोजी रोटी कमाने लायक था। अनफॉर्चुनेटली जो हमारा पूरा शिक्षा का सिस्टम है, जो पूरा मैकॉले ने, मैकॉले का जो एजुकेशन सिस्टम मैकॉले बना के गए, अंग्रेज बना के गए, उन्होंने पूरा सिस्टम इस तरह से बनाया था कि भारत में ऐसा एजुकेशन सिस्टम बनाओ कि शिक्षा लेने के बाद वो आदमी नौकरी मांगे अंग्रेज से, वो क्लर्क बने, अंग्रेजों का क्लर्क बने, अंग्रेजों से नौकरी मांगे। आज हमारा पूरा शिक्षा का सिस्टम ऐसा ही हो गया कि हमारा एजुकेशन करने के बाद घर तक की ठोकरें हम खाते होते हैं, कहीं नौकरी मिल जाए, मैंने बीकॉम करके, मैंने एमकॉम करके, बीएससी करके, बीए करके मैं नौकरी चली गई। उसमें आप लोगों ने दूसरा बड़ा कदम उठाया, ये जो एंटरप्रेन्योरशिप क्लासेस की हैं, शुरू की हैं, जो भी एक्सपीरियंसेस एजुकेशन मिनिस्टर बता रहे थे, ये बहुत शानदार शुरुआत है और मुझे पूरी उम्मीद है कि साल दो साल के अंदर इसके नतीजे बहुत शानदार आएंगे। और तीसरी चीज जो गांधी जी ने कही थी कि हमें कट्टर देशभक्त बनाना है, हर बच्चे को कट्टर देशभक्त बनाना है, उस दिशा में अब काम करने का समय आया है। ये तीसरी बात पूरी करने का समय है। उस दिशा में आज पहला छोटा कदम उठाया है, जो कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट 70 है, जो कार्यक्रम कर रहे हैं, संविधान पढ़ाने की बात कर रहे हैं, संविधान को महसूस कराने की बात कर रहे हैं। लेकिन अब इसको कल मेरी कल शाम को मेरी और शिक्षा मंत्री जी की काफी लंबी मीटिंग हुई और ये तय किया कि इस दिशा में, देशभक्ति की दिशा में भी अब एक ठोस कदम उठाया जाना चाहिए कि किस तरह से हमारी शिक्षा पूरी करने के बाद जो बच्चे निकलते हैं उनको किस किस्म का पाठ्यक्रम पढ़ाया जाए देशभक्ति की दिशा में। कि वो आज हमारे समाज में ऐसा हो गया कि हमें देशभक्ति कभी याद आती है जब याद इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है और या फिर बॉर्डर के ऊपर टेंशन होती है, हमें डे टू डे जिंदगी के अंदर हम अपने देश को भूल जाते हैं। ये जो देशभक्ति का पाठ्यक्रम जो मैं बोल रहा हूं, ये आदमी महसूस करे, हर बच्चा महसूस करे उसके कण कण के अंदर देश के बारे में देशभक्ति भरी हुई है। आप याद करो जब अन्ना हजारे का आंदोलन चल रहा था, अन्ना हजारे साहब स्टेज पे बैठे होते थे, आप में से बहुत सारे लोग रामलीला मैदान में होते थे, बहुत सारे लोग अपने अपने घरों में टीवी के सामने बैठे होते थे, वहां से अन्ना हजारे बोलते थे भारत माता की, और जितने लोग रामलीला मैदान में होते थे वो जय बोलते थे, और जितने लोग अपने घरों में टीवी के सामने बैठे होते थे वो भी ये कार्यक्रम बोलते थे, अपने अपने घरों के अंदर हम लोग बोलते थे भारत माता की जय, टीवी के सामने बैठे
वो जो आप महसूस करते थे जो भावना जो जज्बा आप लोगों ने उस वक्त महसूस किया था वो असली देशभक्ति था। वो हमें अपने बच्चों के अंदर पैदा करनी है कि वो भारत के लिए देश के लिए मर मिटने के लिए तैयार हो। हमारे बच्चे जब पैदा होकर बड़े होंगे शिक्षा पूरी करके फिर बड़े होंगे और जब नौकरी में लगे अगर किसी दिन वो रिश्वत ले हमारा बच्चा उसे महसूस होना चाहिए कि मैं अपनी भारत माता के साथ गद्दारी कर रहा हूं। अगर कल को हमारे जो बच्चे शिक्षा पूरी करके निकले अपनी जिंदगी की छोटी छोटी चीजों में अगर कल को ट्रैफिक लाइट जंप करे उसे लगना चाहिए मैंने भारत के साथ गलत किया। हमारे देश के अंदर विदेशी आते हैं, विदेशियों के साथ कितनी बार हम लोग घटनाएं सुनते हैं कि विदेशियों के साथ लूट किया गया, फ्रॉड हुआ, किसी विदेशी महिला का बलात्कार हो गया, वो क्या सोच के जाते हैं वापस अपने देश के अंदर भारत के बारे में। हमारे बच्चों के अंदर ये भावना फूट फूट के भरी होती थी कि हमें अपने विदेशियों का सम्मान करना है, अपना गेस्ट बनना है, ताकि जब वो वापस जाए। जब आप लोग जापान जाते हैं कितनी कहानियां सुनने को मिलती है, किसी ने जापान गया था वहां पर मैंने उससे रास्ता पूछा और उसने मेरे को पूरा रास्ता वहां पर छोड़ दिया था। सुनते हैं नहीं सुनते, कितनी कहानियां सुनते हैं तो हम जब वापस आते हैं हमें लगता है कि वहां के लोग जो है अपने देश के बारे में अपने देश की इमेज के बारे में। तो हमें तीन चीजें चढ़ी है देशभक्ति के पाठ्यक्रम। पहली चीज अपने देश के ऊपर गर्व करना महसूस कराना अपने बच्चों के लिए, बच्चे गर्व करें उन्हें ऐसी बातें ऐसी कहानियां ऐसा अपनी भारतीय संस्कृति के बारे में अपने अतीत के बारे में आज वर्तमान के बारे में ऐसी चीजें बतानी कि हर बच्चा गर्व करे अपनी भारत को। दूसरी चीज उसे भारत के बारे में जिम्मेदारी का अपने ड्यूटी का एहसास कराना है। हमारे में 100 समस्याएं हैं, भारत के अंदर 100 समस्याएं हैं। हम गरीब हैं, हमारे यहाँ किसान आत्महत्या करते हैं, हमारे यहाँ ये समस्या है, वो समस्या है, 100 समस्याएं हैं। इनको ठीक कौन करेगा? इसे हमें तो ठीक करना है। कल को जब हमारा बच्चा स्कूल से निकले तो वो बच्चा ये महसूस करे कि अगर ये समस्या मेरे देश की है तो इसे मुझे ठीक करना है, मुझे अपने देश को पहुंचना नहीं है, मुझे अपने देश को गाली नहीं देनी। अगर मेरे भारत के अंदर कोई समस्या है तो इसको मैं ठीक करूंगा, ये एहसास हमें अपने बच्चों के अंदर पैदा करना है, ओनरशिप पैदा करनी है, जिम्मेदारी का एहसास दिलाना है। और तीसरी चीज अपने देश के लिए कुछ भी कर गुजरने का जज्बा पैदा करना। कल को अगर एक तरफ देश खड़ा है और एक तरफ दूसरी बातें सभी खड़ी है, परिवार खड़ा है, खुद खड़ा है, तो वो देश के लिए कुछ भी कुर्बान करने के लिए तैयार रहने की जज्बा रखना चाहिए। ये तीन बातें होंगे, अगर ये तीन चीजों का एहसास हम अपने बच्चों के अंदर पैदा करते तो ये जो तीसरा इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट है करिकुलम के लिए, और मुझे पता है कि आज आप लोग कर सकते हैं, क्योंकि आज आप लोग पूरी एनर्जी के साथ भरे हुए 4 साल के अंदर जो प्रोसेस हुआ है उसके अंदर हमारा पूरा एजुकेशन सिस्टम आज तैयार है पूरे करिकुलम के अंदर बदलाव लाने के लिए। इस करिकुलम को, इस पाठ्यक्रम को डेवलप करेंगे, सब लोग मिलकर करेंगे, देश के लोगों के साथ मिलकर करेंगे, देश के लोगों के इनपुट्स लिए जाएंगे, तरह तरह के किस्म किस्म के लोगों के इनपुट्स लेकर इस पाठ्यक्रम को शुरू करेंगे। और मैं उम्मीद करता हूं कि अगले साल से अगले अकेडमिक ईयर को हम इस पाठ्यक्रम को लागू कर पाएंगे। कल स्वतंत्रता दिवस है, 73वां स्वतंत्रता दिवस है, 72 साल हो गए देश को आजाद हुए। मुझे लगता है कि इससे बड़ी याद हम अपने स्वतंत्रता दिवस पे कि हम अपने बच्चों के अंदर अगर देशभक्ति की भावना को फूट के भर सके, इससे ज्यादा हम स्वतंत्रता दिवस के अवसर के ऊपर देश को तोहफा दे सकते। आप सब लोगों ने कमाल करके दिखाया है, इतिहास बना के दिखाया है, आप सब लोगों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया।